हेलो थर्ड क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय AMM पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका EVS का टर्न है, तो निकालिए अपनी EVS की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 11, टाइम टू कुक। तो बच्चों, हम सबको जीने के लिए किस चीज की जरूरत रहती है? खाने के लिए। तो इसमें बताया गया, रंजन वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद हिज फैमिली। रंजन अपने मम्मी पापा के साथ एक रेस्टोरेंट में गया। इन द मेन्यू कार्ड देयर वर डिफरेंट फूड आइटम्स अंडर डिफरेंट हेडिंग लाइक फ्रॉम तंदूर स्टीम्ड डिशेस। और वहां पर जब उसने मेन्यू कार्ड देखा तो उसमें जो है बहुत सारे खाने के आइटम लिखे हुए थे, स्टीम डिशेस, बेकरी के। तो ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गया। लेट द मेक हिम, अब उसे बताते हैं हम कि कैसे खाना, क्या क्या खाना होता है। वेइंग ऑफ कुकिंग, खाना कैसे कैसे बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है स्टीमिंग से। बच्चों, आपने मोमोज खाए हैं कभी? मोमोज, इडलीज, ये सब बच्चों स्टीम करके बनाया जाता है, मतलब पानी की भाप से सीखते हैं। सब तेल में ही तले नहीं जाते, ये पानी की भाप से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉइलिंग, खाने को उबाल देते। चावल होते हैं उसको पानी में बॉइल किया जाता है, दाल होती है उसको बॉइल किया जाता है तब बनती है, आलू को बॉइल करके जब बनाया जाता है तो उसको कहते हैं उबालना। रोस्टिंग यानी कि भूनना, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ चीजों को रोस्ट किया जाता है, जैसे कि पापड़ होते हैं उनको भूना जाता है ना, या फिर कुछ जैसे कि इन मेथड पनीर टिक्का, पापड़, चिकन टिक्का, जो चिकन खाते हैं वो सब उनको फ्राई किया जाता है। बेकिंग, बेकिंग होता है बच्चों उसके अंदर, ओवन के अंदर होता है ना, केक बनता है जिससे, ब्रेड बनती है, कुकीज बनती है, उसको कहते हैं बेकिंग। अब आता है आपका फ्राइंग, फ्राइंग मतलब होता है तलने, जैसे कि समोसे, कचौरियां, पूरियां, ये सब किस में आता है? तलने में। डीप फ्राइंग बहुत ज्यादा, जैसे कचौरियां, पूरियां बहुत ज्यादा तेल में तली जाती हैं। शैलो फ्राइंग, उसमें क्या होता है, पराठे वगैरह आते हैं हमारे तवा पे, पराठे सेकते हैं ना, तो वो ज्यादा नहीं तले जाते, कम मात्रा में तले जाते। फिर आता है हमारा स्टिर फ्राइंग, जो बहुत हल्की मात्रा में से सब्जियों को छोंकते नहीं है बच्चों, तो उसके लिए थोड़ा तेल यूज होता है, तो उसको कहा जाता है। अब यूटेंसिल्स यूज इन कुकिंग, यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन। बर्तन कौन कौन से यूज किए जाते हैं? प्रेशर कुकर, कुकर सबने देखा है, ग्रिडल तवा, तवा आपने सबने देखा है, वॉक, कढ़ाई सबने देखी है, सॉस पैन, चायदानी सबने देखी है, लैडल, ये सारी चीजें रसोई में देखी है, चमचे, सीव, छन्नी आपने देखी है, रोलिंग पिन, बेलन आपने देखा है, स्किमर, ये निकालने वाला पूरियां निकालते हैं देखा है, फ्राई पैन देखा है, हांडी, इसमें दही वगैरह जमती है, सब आपने देखा है। तो बच्चों, हर खाने से अलग अलग हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। खाना किस चीज पर बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है, बिजली से बनाया जाता है, बिजली के कुकर आते हैं, बिजली के तवे, बिजली की चूल्हे, गैस आती है, सनलाइट, बच्चों आपने देखा सनलाइट होती है उससे भी बनाया जाता है खाना, सूरज की किरणों से ही बनाया जाता है सोलर कुकर में, LPG होती है आपके सिलेंडर, केरोसिन, मट्टी के तेल से, मट्टी के तेल को स्टोव में भरकर बनाया जाता है खाना, कोल मतलब अंगीठियां आग जलाकर उनसे कोल उनसे बनाई जाती है। अब आता है आपका क्यूजिन्स, क्यूजिन इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन और अ कंट्री। सम ऑफ द फेमस क्यूजिन्स आर क्यूजिन भी एक, अच्छा क्यूजिन क्या होता है? क्यूजिन में होता है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। क्यूजिन में क्या होता है बच्चों? इसमें खाने को ना एक गैस की तरह गर्म, गैस नहीं होती वो, एक आप समझ लीजिए हीटर होता है ना, हीटर पे आपने कभी शायद छोटे बच्चे हो नोबिता वगैरह में देखा होगा, वो ऐसे फ्राई करते हैं उस पर, एक कुकर एक गैस की तरह होता है, उस पर कोई भी चीज को फ्राई करते हैं, सिर्फ टिक्का वगैरह, कोई नॉन वेजिटेरियन, यहाँ इंडिया में इतना नहीं होता, साउथ इंडिया में होता है, चाइनीज में होता है, मुगल लोग करते हैं, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है क्यूजिन। तो बच्चों, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें आपको हमने खाने के बारे में बताया, उसके यूजेस वगैरह, उसमें क्या क्या यूज होता है, बुक वर्क और सारा वर्क आपको भेज दिया जाएगा। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।